गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी. बट लेट्स गो थ्रू अ टेबल जिससे हमें पता चलेगा द कंपैरिजन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, सेक्टरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना. यहाँ आप देख रहे हैं जो हमने पहले स्ट्रक्चरल सेक्टर पढ़ा था उसका अगर हम टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात करें, सो दिस इज़ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो वहीं हम देख रहे हैं कि परसेंट इन जीडीपी अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो इंडिया का 15.4% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पाकिस्तान में 24.4% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन चाइना में जस्ट 7.9%. वहीं सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें सो इट contributes 23.1% in the GDP, Pakistan 19.1% and China again 40.5%. जो कि हमने लास्ट में कंक्लूजन में पढ़ा था कि चाइना ने यही तरीका यूज़ किया कि उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पे फोकस ना करके दे फोकस्ड ऑन दी सेकेंडरी सेक्टर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनको GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिला. नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 61.5, पाकिस्तान 56.5 और चाइना का है 51.6. सो दिस इज़ द परसेंट शेयर इन जीडीपी. वहीं हम परसेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है वो सिर्फ 47% को देता है एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी सेक्टर ओनली टू 22% एंड टर्शरी सेक्टर गिव्स ओनली टू 31%. वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें सो इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द प्राइमरी सेक्टर 42.3%, टू सेकेंडरी सेक्टर 22.6% एंड टर्शरी सेक्टर 35.1%. वहीं अगर हम चाइना की बात करें सो इट कॉन्ट्रीब्यूट 27.7% टू प्राइमरी सेक्टर, 28.8% टू सेकेंडरी सेक्टर एंड 43.5% टू टर्शरी सेक्टर. सो जो कल कंक्लूजन हमने पढ़ा था उसके बेस पर ये क्लियर हो जाता है कि वाई चाइना हैड शोन अ रैपिड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जीडीपी एंड ऑल पैरामीटर्स रिमूविंग द पॉवर्टी जस्ट बिकॉज दे चेंज्ड देयर प्लान. दे फोकस्ड ऑन पॉवर्टी एलिवेशन व्हेन वी वर फोकसिंग ऑन जीडीपी. They were focusing on secondary sector and we focused on primary sector, due to which we lag behind the GDP and also we were not able to alleviate the poverty of the economy. So this brings to end of this chapter.